नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला पर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में जनरल मल्टीप्लिकेशन को कवर किया था, आज हम कवर करेंगे स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन। पिछली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिए। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते। रुकिए रुकिए रुकिए, आपने लाल बटन को दबाया नहीं तो दबाइए और घंटी को भी बजाइए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। आज हम अपनी इस स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विद एनी नंबर ऑफ नाइन्स। मीन्स अगर हम किसी नंबर को 9 से, 99 से, 999 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने इसमें इससे पहले वाले वीडियो में देखा था मल्टीप्लिकेशन विद 11, ठीक है। इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विद एनी नंबर ऑफ 9, ठीक है। और इससे पहले हमें इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का, और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी आने वाले वीडियोस में ये कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। जहाँ पर भी हमारा वो कहीं माइनस करनी होंगी चीज़ें बेस में से, तो हम वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट समझने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। हमने अपनी पहली क्लास में देखा था बेस। बेस हमारे होते हैं तीन, तीन नहीं तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं मेनली, यही होते हैं 10, 100, 1000, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकता है, बहुत बड़े हो जाते हैं, उतने तक हमें नहीं जाना होता। तो बेस हमारे होते हैं 10, 100 और 1000। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कहता है कि दो नंबर, ऐसे कोई भी दो नंबर जो ऐड होके अपने पास के जो नियरेस्ट जो बेस होता है उसको बनाते हैं, उन दोनों नंबर्स को हम कहते हैं कि वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 48 + 52, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 100, ठीक है। तो ये 48 जो है 52 का कॉम्प्लीमेंट है, और 52 जो है 48 का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये दोनों नंबर जो है कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 564 + -=1000। तो यहाँ पे हमें पता करना है 564 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। तो एक तरीका तो है हम 1000 में से 564 को माइनस कर दें, ठीक है, जो कि हमारे पास आएगा 436। और एक दूसरा मेथड है कि हम यहाँ पर वैदिक मैथ यूज़ करें, ठीक है। वैदिक मैथ यूज़ करके अगर हम इसको करेंगे तो हम सेकंड्स में पता कर लेंगे, हमें यहाँ पे ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, और हम वैदिक मैथ से सीधा यहाँ पर आंसर 436 लिख देंगे। अब वो कैसे, तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसका मतलब क्या है, आप सोच रहे होंगे क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, हमें जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे 564 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसकी सारी डिजिट्स को 9 में से माइनस करना है, और जो लास्ट वाली डिजिट है इसको 10 में से माइनस करना है। तो अगर मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं इसको 9 में से माइनस करूँगा 4, इसको 9 में से माइनस करूँगा 6 को 3, और इसको लास्ट वाली डिजिट को 10 में से माइनस करूँगा, तो हो गया 6436, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा कि अजीब सा है, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत तेज़ी से इसको कर पाएंगे। आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ऐसे आप सीधा 564 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 436 पुट कर देंगे, ठीक है। ये तो तीन डिजिट में था, तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि मैं माइनस करके भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर यही डिजिट 4 डिजिट या 5 डिजिट हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको वैदिक मैथ आता है तो ये चुटकियों में आराम से आप निकाल सकेंगे। और एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पर, कि अगर आप नॉर्मल मेथड से इसको माइनस करते हैं तो आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में हम मोस्टली लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इसलिए वो हमें थोड़ा और ईजी पड़ जाता है। जब नॉर्मल मेथड में हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो उससे क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। चलो इसके कुछ और एक दो एग्जांपल लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालना है। यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स, दो एग्जांपल लेता हूँ ताकि जल्दी से प्रैक्टिस हो जाए बस, फिर हम इसको यूज़ करेंगे 9 से मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 4674 + -=1000, कि यहाँ पर जो ये 4674 और यहाँ पर जो एक नंबर होगा वो दोनों मिलके 10,000 बेस बना रहे हैं, तो हमें बताना है वो नंबर कितना है, मतलब 4674 का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने क्या बोला था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो ऑल फ्रॉम 9, तो हम 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, और लास्ट वाले डिजिट को माइनस करेंगे 10 में से, 10 - 4 = 6,
ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 5326। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको वैदिक मैथ आता है तो बस डायरेक्शन फॉलो करनी है और आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन विद 9। 5, 6, 7, 5, 4 इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और ये दोनों मिलके बेस कितना बना रहे हैं हमारा 1 लाख। तो यहाँ पे कितना आएगा, सीधी सी बात है, सबको इन चारों को 9 में से माइनस कर दो, उसको 10 में से, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 को 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 4 गया 6। तो ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 9 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको 3 टाइप्स में बांटा। ठीक है, टाइप 1, जब हमारे नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ नाइन्स के बराबर होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ नाइन्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 42 × 99। अब यहाँ पर जो आंसर हमारा दो पार्ट्स में आएगा, एक LHS पार्ट आएगा और एक RHS पार्ट आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, LHS पार्ट में के लिए क्या करना है, LHS पार्ट के लिए जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99 से या किसी भी 9 वाले डिजिट से, तो उसमें से एक माइनस करना है आपको। तो यहाँ मैं माइनस करूँगा 42 में से एक, 41, और राइट हैंड साइड आंसर के लिए उस 42 का कॉम्प्लीमेंट निकाल देना। और कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 4 को हम 9 में से माइनस करेंगे 5 और 2 को हम 10 में से माइनस करेंगे 8। तो इसका आंसर आ गया 4158। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसका, 3 डिजिट का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 342 × 999। ठीक है, यहाँ पर भी दो पार्ट्स में आंसर आएगा, LHS RHS। ठीक है, 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमारा हमको 342 में से 1 माइनस करना होगा, 341, और RHS आंसर के लिए हमें 342 का कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है, 342 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 342 का क्या आएगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 2 गया 8। तो इसका आंसर हो गया 341658। ठीक है, देख सकते हैं कितना आसान था। चलिए इसके कुछ एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। 32 × 99, 32 में से 1 गया 31 और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 3168। ठीक है, 64 × 99, 63, फिर 9 में से 6 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 71, और इसको करेंगे 9 में से 7 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 97, 9 में से 9 गया 0 और 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट होंगी तो क्या होगा, 3 1 माइनस करेंगे 322, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और लास्ट वाली को हम करेंगे 10 में से माइनस, तो ये हो गया 7। ठीक है, इसका निकालेंगे अगर हम 465, तो 464 1 माइनस करने के बाद, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया 535। ठीक है, इसके अंदर एक माइनस करेंगे तो 5671 और इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 432 और 10 में से 2 गया 8। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कितना आसान है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका टाइप 2। तो हम देखेंगे यहाँ पे टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 क्या होगा हमारा, कि हमारे नंबर ऑफ नाइन्स जो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जैसे कि मैं लेता हूँ 32 × 9999। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 3 पार्ट्स में आएगा, इसका आंसर लिखेंगे हम 3 पार्ट में। एक पार्ट होगा LHS, एक पार्ट होगा मिडल पार्ट और एक होगा RHS। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो सेम उसी तरह से हम करेंगे, 32 में से 1 को माइनस कर देंगे 31। मिडिल पार्ट के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा 9 कितने हैं। देखो जितने यहाँ पे डिजिट हैं उतने 9 छोड़ के जो आगे के 2 9 बचे ये हमारे एक्स्ट्रा 9 है। ठीक है, तो जो हमारे एक्स्ट्रा 9 होंगे उसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल एक स्टेप बढ़ गया कि जितने एक्स्ट्रा 9 है वो हमें पुट कर देना। और थर्ड पार्ट में फिर हमें जो नंबर है 2 डिजिट का उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वही रूल लगाना है कि ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 3 को 9 में से माइनस करेंगे तो 6 और 2 को 10 में से करेंगे तो 8। तो आंसर कितना आया, 3199968। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इनको तेज़ी से कर पाएंगे। सोचिए अगर इसी एग्जांपल को आप सीधा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से करते इस तरह से, तो सोचो कितना टाइम लगता है इसके अंदर, पहले 2 से करते फिर 3 से करते, बहुत लंबा चला जाता है। और यहाँ पे देखिए एक बार में आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया इसका। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 6, 34, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया
9 9 9 9 9 9, ठीक है, इसका आंसर निकालना है हमको। तो तीन पार्ट में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम इसमें से 1 माइनस करेंगे 6 33, फिर हम देखेंगे एक्स्ट्रा 9 कितने हैं, तो 3 9s, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स के लिए हो गए, बाकी जो बचे 3 9 आगे के वो हो गए एक्स्ट्रा, उनको ऐसे ही पुट कर देंगे। उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, कॉम्प्लीमेंट ईजी है, लास्ट वाले डिजिट को 10 में से माइनस करना है, बाकी सबको 9 में से, तो 9 में 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 4 गया 6, तो इसका आंसर हो गया। देखो कितनी जल्दी से निकाल लिया आपने इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, और इसको नॉर्मल मेथड से करते हो तो कितना टाइम लग जाता, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना इसको। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की एक चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8430 को 9 9 9 9 9 9 इससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड आंसर क्या आएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे 8429, फिर देखेंगे एक्स्ट्रा 9 कितने हैं, तो 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट छोड़ के जो बचे 2, ये होगा एक्स्ट्रा 9। उसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट में मैंने बताया था लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करना है। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट जो है हमारी 0 है, और 10 में से 0 माइनस करेंगे 10, वो 2 डिजिट नंबर आ गया, तो क्या करें, तो जब भी हमारा लास्ट में 0 आता है तो उसको हम लास्ट डिजिट नहीं मानते हैं, उससे पहले वाली को हम लास्ट डिजिट मानते हैं, तो यहाँ पे हमारी लास्ट डिजिट 0 नहीं 3 होगी, ठीक है। तो अब इसमें हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे इसका, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, अब लास्ट डिजिट कौन सी है 3, तो हमारा रूल था ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो लास्ट वाले डिजिट को 10 में से माइनस करना है, 10 माइनस 3 7, और 0 जो बचा इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ गया 8429 1570, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत तेजी से कर पाएंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 323 को 9999 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस करेंगे 322, फिर हम देखेंगे एक्स्ट्रा 9 हमारे पास 9 एक ही है, और उसके बाद हम इसका निकाल देंगे कॉम्प्लीमेंट जो कि आएगा 677, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 माइनस करेंगे हम इसमें से तो 45, एक्स्ट्रा 9 हमारे पास 3 है, 3 9 ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 54, ठीक है। इसको देखो 1 माइनस करेंगे 8429, फिर एक्स्ट्रा देखेंगे हम 29 है हमारे पास, 2 9 ऐसे पुट कर देंगे, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो 156, सॉरी देखो यहाँ पे फिर 0 आ गया, ठीक है। आई थिंक सेम एग्जांपल ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 0 आएगा तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट डिजिट हो गई, और 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, 1570 आ जाएगा। लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, 31, एक्स्ट्रा 9 कितने हमारे पास, 2 छोड़ के 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 9s, उसके बाद 32 का कॉम्प्लीमेंट जो कि आ जाएगा 9 में से 3 गया 6, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 भी यहाँ पर खत्म होता है, अब हम देखेंगे टाइप 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप 3, टाइप 3 आप समझ गए होंगे क्या होगा, जब नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो नंबर ऑफ 9 से ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ 9 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ इसका, 36347 इंटू में 999, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी डिजिट्स हैं वो 9 से ज़्यादा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जितने हमारे 9 है उसके बाद यहाँ पर स्लैश लगाना है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हो गए, लेफ्ट हैंड साइड आंसर निकालेंगे, इसमें भी राइट हैंड साइड आंसर निकालेंगे, ठीक है। पहले स्लैश लगाना है, फिर हमें अपने आंसर देखने की लेफ्ट हैंड साइड आंसर क्या आएगा, राइट हैंड साइड आंसर क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी स्लैश के बाद जो लेफ्ट में डिजिट है उसमें प्लस 1 करना है, ठीक है। और फिर उस 1 को प्लस 1 करना है, तो 7 आया, फिर उस नंबर को इस पूरे नंबर में से माइनस कर देना है, 6347 माइनस 7, ये आ गया 6340, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड आंसर, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड आंसर के लिए हमें क्या करना है, इसका सिंपली कॉम्प्लीमेंट निकाल देना, जो राइट स्लैश के राइट में जो हमारी डिजिट है, 347 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 653, तो हमारा आंसर हो गया 6340653, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 6340653। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा, ठीक है, कि जितने 9 है हमारे पहले वो देखना है, उसके बाद स्लैश लगाना है, फिर उसके लेफ्ट में जो नंबर है उसमें प्लस 1 करना है, और उस नंबर को उस पूरे 4 डिजिट उस जो नंबर है उसमें से माइनस कर देना है, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आंसर हो गया। और जो हमारा फिर स्लैश के जो राइट साइड में जो नंबर लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के राइट हैंड साइड आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 8249 इंटू 999, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम कि नंबर ऑफ डिजिट 9 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3 9 है, तो हम 3 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के बाद हम यहाँ पे स्लैश लगा लेंगे, ठीक है। 3 के बाद स्लैश लग गया, उसके बाद
हम जो लेफ्ट साइड में स्लैश के लेफ्ट साइड में जो आंसर है उसमें +1 करेंगे, जो डिजिट है आया 9, उस 9 को 8249 पूरे नंबर में से माइनस करेंगे 8240, और राइट हैंड साइड आंसर के लिए जो स्लैश के जो राइट साइड में जो नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, जो कि आएगा 7 5, और 10 में से 9 गया, लास्ट वाले डिजिट को 10 में से माइनस करते हैं तो 1, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। देखो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है चलिए इसका मैं एक दो एग्जाम्पल्स और लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 11 11 242, और इसको हमने किया इंटू 999 से, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 9 है हमारे पास, तो 3 के बाद यहाँ पे स्लैश लगाएंगे हम, ठीक से लगा लेते हैं, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, स्लैश लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड में जो डिजिट है स्लैश के उसमें +1 करेंगे, 12 आया, उस 12 को पूरे नंबर में से माइनस कर देंगे, ये आ गया 11240, और जो हमारा स्लैश के राइट साइड में जो नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 758, तो ये हो गया 11240758। ठीक है यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है यहाँ पे 3 आएगा, माइनस करोगे वो। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 3679, तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 24 इंटू में 999, ठीक है 999 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे स्लैश, उसके बाद हम जो स्लैश के राइट लेफ्ट में जो डिजिट है उसमें +1 करेंगे, 368 पूरे नंबर में से उसको माइनस करेंगे, ठीक है 367924 में से 368 को माइनस करेंगे, तो हो गया 14 में से गया 6, तो हो गया 11 में 6 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और ये हो गया 367। ठीक है ये थोड़ा बड़ा जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी बड़ा जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम जो स्लैश के राइट साइड में जो आंसर है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे 924 का, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 4 गया 6, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और इसके बाद आप 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत तेजी के साथ। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वैदिक मैथ से रिलेटेड और वीडियोस देखने और अपनी कैलकुलेशन को तेज बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।